इस महंगाई को देख लो आप, क्या हो रहा है। हर आदमी परेशान है, खुशहाल कोई है ही नहीं। कपड़ा पहनना मुश्किल हो रहा है, खाना खाना मुश्किल हो रहा है। इसमें इतनी महंगाई है। अगर जो फाइट में है तो मोदी जी के आगे राहुल गांधी है, कांग्रेस फाइट है। मोदी जी के सामने कोई भी टिकेगा नहीं। 24 में मोदी जी फिर आएंगे, उनके सामने कोई नहीं है। बस अब भाई साहब अगर एक बात बताओ, लोग वहाँ कहते हैं 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। सुनो आप मेरी बात को समझो, एक सुई से है ना जहाज तक का सफर हमें कांग्रेस ने बुरा कराया है। आज 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 मेरे भाई एम्स जो बने हुए हैं दिल्ली में, जे कितने एम्स बने हुए हैं दिल्ली में, ऑल इंडिया में, वो सब हमारे को कांग्रेस की देन है। लेकिन आज हम भूल रहे हैं। आप इनकी बात से सहमत है? ये कह रहे हैं कि जो भीड़ उनके पीछे है अगर वोटों में तब्दील होती है तो सत्ता आ जाएगी कांग्रेस। भीड़ तो दिखाने के लिए होती है जी। जी अब अभी आप यहाँ चैनल लेकर खड़े हैं, कितनी भीड़ है? काफी भीड़ है। आप अगर आपका साथ देना कभी कहेंगे तो क्या देंगे? ये साथ क्या मुश्किल, भाग जाएंगे ना। तो भीड़ देख के अंदाजा नहीं लगाया जाता है। बाकी मोदी जी के सामने अभी कोई है नहीं फिलहाल, उनके चेहरे के सामने वैसे कोई नहीं है। ठीक है जी, उनके चेहरे के सामने कोई है नहीं। और मोदी जी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और दूरदर्शी काम हो रहा है। आज हम लोगों को थोड़ी दिक्कत है। देखो मोदी जी ने जो भी किया है अच्छा किया है और अच्छा करेंगे, जो मुझे मुझे लगता है। और आगे रही बात अपने अपने सबके विचार हैं, रही भीड़ की बात, भीड़ तो आप देख ही रहे हैं, भीड़ को नहीं देखना चाहिए। बाकी जो भी है मोदी जी के सामने अभी कोई है नहीं फिलहाल, विकल्प नहीं है। अच्छा मुझे कोई अभी एक दादा पूछ रहे थे, वो अभी यहाँ से चले गए, कि चार काम बीजेपी के सेंटर में ऐसे बता दो जो अच्छे हों। अच्छे हों जो काम, चार काम मोदी जी ने जो भी काम किया है, जैसे कि अभी धारा 370 थी हटा दिया ना, अभी गरीबों को राशन दे रहे थे दो हो गई, और राम मंदिर का मुद्दा है तीन हो गए। मंदिर का जो मुद्दा है वो मोदी जी बिल्कुल कोर्ट का है, लेकिन जिसके अभी आपने कहा क्या कि जिसके टाइम पर होता है वो रिबन काट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो अब टाइम था मोदी जी का, तो मोदी जी का ही नाम होगा। अगर गलत होगा कुछ तो आज मोदी जी का ही नाम होना है, आपका नाम या कांग्रेस का नाम नहीं होना। ठीक है जी। और अभी उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, और अभी जो अपना शौचालय की योजना हुई थी उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जो मोदी जी के। कोई कहता है चार योजना, मैं तो कहता हूं अभी लाखों योजना चल रही है और आगे आने वाली है। जी आप बताइए भैया, आप भी इनकी बात से सहमत हैं? भैया मैं इनसे कंप्लीट सहमत नहीं हूं। जी जैसे भाई ने कहा धारा 370 हटाया, मैं कहता हूं धारा 370 हटाया उसमें हमें क्या फ़ायदा मिला? एक चीज़ इन्होंने कहा उज्ज्वला योजना के बारे में, लेकिन मैं अपनी परिचय दे दूं, मैं बिहार से आया हुआ हूँ। इत्तेफाक की आज मेरी फर्स्ट डे है जी, मैंने भी जी दिल्ली के अंदर में नहीं आते जाते रहता हूँ, लेकिन मेरा आज फर्स्ट डे है। और जैसे मैं उतरा हूँ ऑटो से तो आपसे मुलाकात हुई मैं भी सोचा मैं भी देख लूँ क्या हो रहा है। मैं बिहार की बात बताऊँ, घर घर इन्होंने उज्ज्वला योजना दिया है, लेकिन उसमें एक रुपये की सब्सिडी नहीं आती है। उन्होंने फ्री में सिलेंडर दिया, लेकिन आज की डेट में सिलेंडर भरवाने पड़ रहे हैं हमें अपने पैसों से। बाथरूम की बात आई, शौचालय की बात आई, शौचालय के नाम पे इन्होंने 12,000 रुपये हमें दिए गए हैं, लेकिन क्या 12,000 में शौचालय बनता है? कुछ नहीं। असल आपने भाई से पूछा चार काम गिनती कराओ, इन्होंने कोई चार काम गिनती नहीं करा पाया। मैं इनके अपोजिट में बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं गिनती करा सकता हूँ आपको। ऐसा मतलब कोई भी आपको काम ही नहीं लगा ना? कोई काम नहीं लग रहा। हाँ ये है मोदी जी के टाइम पे काम हो रहा है, रूल रेगुलेशन पे हो रहा है, लेकिन न्यू जो काम होता है वो काम नहीं हो पा रहा अभी तक। अच्छा मतलब जो पहले पेंडिंग काम है अभी वही हो रहे हैं? वही जो पेंडिंग काम है वही सब हो रहा है, न्यू काम मैं देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है। माहौल तो कांग्रेस बना रही है, माहौल तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस आने वाला टाइम है। जैसे मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वैसे तो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी अपनी विचारधाराएं, मगर भैया ने कहा जैसे इन्होंने कहा कि धारा 370 हटी, तो इन्होंने कहा हमें क्या फायदा? पांच रफेल जहाज आए आपको चलाने नहीं मिला, तो आप कहोगे हमें क्या फायदा? हमारी सेना सुरक्षा है, जम्मू कश्मीर में पूछिए, लद्दाख में पूछिए, जो वहाँ के निवासी हैं वो आज सुरक्षित हैं कहीं तक। जो आतंकी हमले होते थे कम हुए लद्दाख में, श्रीनगर में और लेह में बहुत सारे आतंकी हमले कम हुए। मतलब कि जो चीज़ आपको फायदा नहीं है तो वो गलत होगी। आप वहाँ के निवासियों से पूछिए जो वहाँ प्रताड़ित थे, कितने समय से प्रताड़ित थे, जो लोग वहाँ के कश्मीरी पंडित थे और भी अन्य लोग जो जातियाँ हैं और भी बहुत सारी कम्युनिटी हैं। तो मतलब जो फ़ायदा अगर इनको होगा तो वो सरकार ठीक है,
और नहीं होगा तो ठीक है। आज से पहले ICU इंदिरा गांधी की सरकार में बहुत अच्छे काम हुए, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है। मगर वर्तमान में और जो सत्ता पक्ष जिस समय सरकार कर रही है वो और भी अच्छे काम कर रही है। हर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है अच्छा काम हो। आप उनको सत्ता दोगे तो सरकार अच्छा करेगी। 5 योजनाएं नहीं, वर्तमान में BJP की 112 योजनाएं जिनको याद रखना नामुमकिन है। मैं 5 मुद्दे 4 पूछिए भैया ना, मैं 5 गिना दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 रफेल जहाज बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे हमारी जो सेना है आर्मी है वो बहुत मजबूत हुई। दूसरा मुद्दा भाई साहब ने सही कहा, धारा 370 और 35A, इनका मतलब पढ़ना आप, मैं तो आपको नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी। तीसरी बात आपको मैं बता दूं कि इस समय जो भारत की अन्य देशों से संबंध हैं वो इतने अच्छे हैं कि शायद आपको नहीं पता होगा। चौथी बात, बहुत सारी लंबी लाइन लग जाएगी लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय आप कंपेरिजन सरकार से ना करके इस समय कामों से करें, विकास से करें, ये देखें किसकी सत्ता किस समय अच्छी चल रही है। भैया ने ये सही कहा, वैसे तो आपकी बात अच्छी है। और एक बात मैं लास्ट रखना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई है। अगर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई है तो भारत को तोड़ने वाली भी कांग्रेस थी। 1947 15 अगस्त को भारत का विभाजन करना किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। किस और किस मुद्दे पे किया था? हिंदू मुस्लिम पे किया था। तब तो BJP नहीं थी। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1918 में। और जब BJP नहीं थी, RSS नहीं थी, अगर थी तो मुद्दे में राष्ट्रपति थी, पार्टी थी कांग्रेस। इनका विभाजन किसने किया? कांग्रेस ने किया। किस मुद्दे पे किया? हिंदू और मुस्लिम। अगर ये भारत को जोड़ते तो उस समय भारत को तोड़ते नहीं जिस समय इन्होंने भारत को तोड़ा था। अगर इनको भारत तोड़ के अब भारत जोड़ने यात्रा ये याद आ रही है तो मैं कहता हूँ सिर्फ ये एक ढोंग है और कुछ भी नहीं है। हरनीत वेटी पटेल, गुजरात से। हरनीत जी, आप क्या काम करते हैं? मीडिया में। आप भी मीडिया में? सर्व गुजरात न्यूज़ पेपर है हमारा खुद का। तो क्या आकलन रहा आपका इन 8 वर्षों में जो केंद्र सरकार का आपने देखा, आकलन क्या है? आकलन कुछ भी नहीं। आप जो बोल रहे हो भाजपा सरकार ने काम किया, 5 काम अच्छे कोई गिनवा दो। नहीं मैं नहीं बोल रहा, मैं प्रजा से भी पूछ रहा हूँ, इन मुद्दों को पूछ रहा हूँ, 5 काम तो अच्छे गिनवा दो। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षित बेरोजगार हो, साले 10 झोपड़ी पड़े हुए, शिक्षा मंत्री बने हुए, आरोग्य मंत्री बने हुए, पढ़े लिखे भी हैं जो पकौड़े बेच रहे हैं, तो काम कौन सा अच्छा हो गया वो तो बताइए आप। धारा 370 बताइए आपके सामने। धारा 370 में किसने, धारा 370 का मतलब क्या है वो तो बताइए। वो लोग बोल रहे हैं धारा 370 में हम क्या कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, वो सब ले सकते हैं। नोटबंदी में सबको तो बिना कपड़े खरीदने जैसा रखा नहीं है, तो जमीन वहाँ कहाँ से खरीदेगा बंदा, बताओ खरीद सकेगा, बताओ आप। तो नोटबंदी से मतलब आपको प्रॉब्लम हुआ है? नोटबंदी से नहीं, हर एक बंदे को प्रॉब्लम है। नोटबंदी, GST है। आज पहले गुजरात में आके देख लो आप। गुजराती हैं? हाँ, गुजराती हूँ मैं। गुजरात में आप देख लो क्या हालत है गुजरात की, पहले आओ तो सही। वो बोल रहे हैं कि गुजरात में अच्छा काम किया है। अगर अच्छा काम किया है तो मोदी सरकार को 29 सभा करने के लिए उधर आने की जरूरत नहीं थी। बड़ा प्रधान को एक बात समझ लो, अगर समझ रहे हो, धारा सभ्य, MLA, मुख्यमंत्री, पूरा मिनिस्टर क्यों गुजरात में लगा इतना? अगर अच्छे काम किया था तो यहाँ बैठे बैठे भी वो जीत सकता था ना, क्यों नहीं सकता था? सभाएं क्यों खाली गई बताइए। लेकिन अगर जो बुरा काम करते हैं तो इस बार सरकार क्यों बनती? हमारे गुजरात की बात बता रहा हूँ, एक गांव में 2200 ही मत थे जी। कितने? 2200 वोट। वहाँ 26,000 मत निकले, बताइए कहाँ से 26,000 मत ऊपर निकल गए? हमारे गांव की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने कुछ इलेक्शन कमीशन जो होता है उससे कुछ बोला? अरे हर जगह पे हमारी फरियाद है, मीडिया के हिसाब से भी हम लोग तो फरियाद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन किसका है? निष्कर्ष कुछ आया उसका? कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपको 24 में क्या लगता है? 24 में सरकार को गिराना है, गिराना है, सीधा बोल रहे हैं हम तो, गिराना है। 24 में ये सरकार नहीं चाहिए। सर आप भी इनके साथ हैं? नहीं, मैं तो ऐसे ही मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि आप भी इनके साथ हैं कि सरकार गिराने में आप भी इनके साथ? मैं तो नूतन आदमी हूँ, मैं क्या बताऊँ, बताइए ना। नहीं नहीं, मैं तो भाई हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं तो मतलब हिंदुस्तान की बात करूँगा। मान लो ये जो बता रहे तो राजनीतिक आदमी, मैं तो एक नूतन आदमी हूँ। नूतन आदमी तो है जो ये कह रहे हैं कि हम सरकार को इस बार गिरा देंगे, आप भी इनके साथ में गिराओगे या? बिल्कुल, सब जनता ही गिराएगी, मैं या आपका, जनता गिराएगी, जनता का फैसला होगा, मेरा आपका थोड़ा ही होगा। आज करप्शन जनता जो चाहेगी वही होगा। जनता जनता परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको इस बार? ये तो केजरीवाल ने तो कर दिया, तो यहाँ से देखिए मतलब वो MCD में हो गया, दिल्ली में, हिमाचल में उपचुनाव हुए, UP के अंदर मतलब वो 2 सीटें खतौली और तुम्हारा मैनपुरी, दोनों मतलब वो जीत गए। तो परिवर्तन चाहिए जनता को, 5 साल
ये समझो दो योजना हो गई तो अब कोई और कर लेगा देश। कल कौन होगा आपके लिए बीजेपी से अलग? हम बता सकते जी, हमें पता नहीं, मतलब भाई साहब इसके बारे में नहीं बता सकते। चुनाव के बाद जो बॉडी आएंगी सब विपक्ष मिल के देखेंगे फिर तय करेंगे, अभी से कैसे तय करेंगे। ये नकारात्मक सोच वाले तो अपनी संगठन के नाम के आरएसएस के नाम पे बता दे रहे कि हमारा ये चेहरा रहेगा, मगर उस चेहरे ने क्या किया है कि 60 लाख सरकारी नौकरी आज की तारीख में खाली है, वो भी नहीं भर रहे, और जो सिस्टम से भर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे भर रहे, जो अपने मुनाफा भी नहीं कर सकता, घर भी नहीं चला सकता, तो उनको क्या करेंगे। अभी वो भैया बोल रहा था वो आर्मी वाला, वो आर्मी वाले खुद उसका विरोध कर रहे हैं और बोले इनसे पूछा गया था, कब पूछा गया था, आरटीआई से पूछो तो बोलते हैं कि ये स्वाभिमान का मामला है, गुप्तता का मामला है, बताते नहीं है, तो कैसे चलेगा, उसका तो विरोध ही होगा। देखो बिहार में, देखो देखो वो विरोध लोगों को नहीं देखा, बिहार में ट्रेनें चली, हाँ तो वही बोल रहा ना, सोच युवा तो नहीं सोच रहा है, तो ये लोग कैसे मान लेते क्या हो रहा है। जब तक वीएम नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं होगा, उसके लिए अभी आंदोलन चालू है, 24 तक तो और वातावरण बनेगा और नेगेटिव में जाएगा उनका। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा पे तो रोक लगाने की बात है, वो मनसुख मंडाविया जो हेल्थ मंत्री हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, कोरोना की कुछ गाइडलाइन आने वाली है, कह रहे हैं कि ये यात्रा रोक, वो जानबूझ के कोरोना लाने वाले हैं, कोरोना तो है ही नहीं इलेक्शन, नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पत्रकार आदमी है क्या, मैं बता रहा हूँ चाइना में है वो पूरा, अभी जो चाइना में लड़ाई हुआ उनका बांडा फूटा है कि उन्होंने मिलके करवाया सब करवाया, वैसे ही ये कोरोना का भी है, अभी इलेक्शन से ध्यान हटाने के लिए कोरोना हिंदुस्तान में चलाया जाएगा। तो जो चाइना से फोटोज आ रहे हैं वो फोटोज नहीं है, पूरा वीडियो नहीं है, काट काट के बता रहे, सीधा देख लो आप, पूरा बताने को बोलो ना, सीधा बताइए ना आप क्या है, कुछ है नहीं, कुछ है मगर थोड़ा हुआ था, फिर इन्होंने साथ में मिलकर सेटिंग करते हैं कि ये होना चाहिए, यदि तुम्हें चाइना से विरोध है तो चाइना का बिजनेस बंद कराइए ना, क्यों नहीं करा रहे, पूरा हमारा बिजनेस वही खा के जा रहा है, यहाँ का पैसा वहाँ जा रहा है, उनके घर घर में हर लोग हमारे लिए बना रहे, मेड इन इंडिया नाम लिख के आता है मगर बनता चाइना से है, तो कैसे चलेगा। जब तक स्वाभिमान खाली बताने के लिए है मगर स्वाभिमान है नहीं। तो क्या लगता है राहुल गांधी की, आप तो पत्रकार आदमी हैं, जो राहुल गांधी की यात्रा है उसका क्या प्रभाव, क्या हासिल कांग्रेस कर नहीं, कांग्रेस की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इतनी बड़ी यात्रा है, यात्रा निकल रही है, इन लोगों जब से आए हैं भाईचारा जो मिटा रहे हैं उस बहाने सब इकट्ठे हो रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय एकता और भाईचारा का माहौल बन रहा है। आपको भी ऐसा लगता है कि जो भाईचारा टूट रहा था उससे राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उससे जोड़ रहे हैं वो? हाँ जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, हाँ जोड़ रहे हैं, काफ़ी लोग, काफ़ी भीड़ में लोग आ रहे हैं वहाँ पास, ऐसी बात नहीं, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं उनके साथ में यात्रा में। भैया ने जो बोला, वो भैया ने जो बोला पहले वो आर्मी वाले ने कि दंगे कम हो गए, बीजेपी सरकार आने के बाद दंगे कम हो गए, अब एक बात सीधी बोल रहा हूँ, अगर बिल्ली को आप दूध संभालने दे दोगे तो क्या होगा, पिएगा कौन, पिएगा कौन, जो दंगे कराने वाले खुद सत्ता पे बैठ गए तो फिर अब दंगे कराने की जरूरत ही क्या है, बता दो आप। है उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी काफी बात है, जो दंगे कराने वाले थे खुद सरकार बना के बैठ गए तो फिर अभी दंगे कहाँ से होंगे। बड़े भैया आप बताइए, जी ये जो कह रहे हैं ये ठीक है जो दंगे कर रहे हैं? देखो जी, जो जो सब लोग कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहते इस बारे में, हम कुछ नहीं कह सकते। कैसे लगे 8 वर्ष, 8 साल कैसे लगे जो केंद्र सरकार, वो बात नहीं है, हम राजनीति के बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो क्या कहेंगे हम। देश में तो रहते हैं ना, देश में तो 8 साल कैसे लगे जो केंद्र में बीजेपी के बीते, 8 साल ऐसे लगे कि देख लो आप कितनी महंगाई हो रही है, जहाँ जाओ मतलब पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, गैस पे पैसे बढ़ गए, गरीब आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ये तो सबके सामने है बात, वो तो दंगे होंगे की तो बात छोड़ दो, इस महंगाई को देख लो आप क्या हो रहा है, हर आदमी परेशान है, खुशहाल कोई है ही नहीं। कुछ मिलेगा फिर 24 में? सॉल्यूशन तो अब क्या होगा, देखो 24 आने दो, जब मिल जाएगा जो मिलेगा, हाँ जब जो होगा ऊपर वाले को मंजूर वो होगा। क्या लगता है जैसे कांग्रेस की भी सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में, तो कांग्रेस तो आएगी आएगी, मेहनत चल रही है, आएगी कांग्रेस, क्यों नहीं आएगी, हाँ चल रही है मेहनत, राहुल जी को देख लो, यात्रा कर रहे हैं, पैदल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा पे रोक लगाने की बात की जा रही है, अभी लगी नहीं है कि जिन लोगों को वैक्सीनेट हुए हैं उनको, ये तो मुद्दे लोग उठाते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, अब क्या होगा इसके बारे में बताओ आप, मतलब परिवर्तन चाहते हैं, परेशान है सर, सब परेशान है, हर आदमी परेशान है, एक गरीब आदमी से पूछो तो जो घर चला रहा है अपना, कैसे कैसे चला रहा है, उसको कपड़ा पहनना मुश्किल हो रहा है, खाना खाना मुश्किल हो रहा है, इसमें इतनी महंगाई है।